हेलो फ्रेंड्स, प्रिया जी कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोया चंक्स के सैलड की रेसिपी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है और सोया चंक्स में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए हम आज सोया चंक्स का सैलड बनाएंगे जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सोया चंक्स लिया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 ग्राम होती है। अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया जाता है सोया चंक्स का सैलड। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो पास में बेल बटन है इस पर भी क्लिक कीजिए, इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया जाता है सोया चंक्स सैलड। इंग्रेडिएंट्स का डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैलड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर। यहाँ पर हम सोया चंक्स का सैलड बना रहे हैं तो सोया चंक्स को थोड़ा कुक करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच बटर का यूज़ किया है। बटर को अब थोड़ा हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सोया चंक्स को आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। यह देखिए, यह पूरी तरह से गल चुके हैं। अब इसे हम पानी में से निकाल कर पैन में डालेंगे और हम थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें से निकालेंगे। सारा पानी हमें सोया चंक्स में से नहीं निकालना है क्योंकि हमें सोया चंक्स को अंदर तक कुक करना है और इन्हें थोड़ा जूसी रखना है, इसलिए इसमें से पूरा पानी नहीं निकालेंगे। अब इसे चलाते हुए एकदम मीडियम आँच पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसका हल्का सा ब्राउन कलर हमें करना है, ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो यह एकदम कड़क हो जाएगा और सैलड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, एकदम लाइट ब्राउन कलर ही करना है हमें। यह देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। हमारे जो सोया चंक्स है वो अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सोया चंक्स अब रेडी है, अब हम इसका सैलड बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ ही 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम डालेंगे नमक, जीरा पाउडर, जीरावन पाउडर। अगर आपके पास घर में जीरावन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की जगह टमाटर की प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो चुका है हमारा सोया चंक्स का सैलड, प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स का सैलड। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।